नमस्कार दोस्तों, वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं ग्लास फाइबर के सरिये 100% कोरोजन रेसिस्टेंट होते हुए भी अभी मेन स्ट्रक्चर में यूज क्यों नहीं किए जा रहे। क्या इन सरियों में कोई ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि माइनस पॉइंट हैं, जिनके चलते इन्हें अभी मेन स्ट्रक्चरल मेंबर्स जैसे कॉलम बीम इत्यादि में यूज नहीं किया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लास फाइबर सरिये पूरी तरह से कोरोजन रेसिस्टेंट हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि तनाव खिंचाव सहने की क्षमता भी लोहे के सरियों से बेहतर है। बेहतर मतलब दुगनी है। ये आम सरियों के मुकाबले वजन में भी हल्के हैं। इनमें करंट भी नहीं फैलता, यानी कि नॉन कंडक्टिव है, लेकिन फिर भी मेन स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते। आखिर क्यों? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है और कैसे काम करती है, आइए देखते हैं। डक्टिलिटी का मतलब है लचकदार होने से, और लचक भी इतनी कि वह मुड़ने के बाद फिर से अपने रूप में आ सके। तो ऐसे मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल कहा जाएगा। आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। एक सरिये का टुकड़ा लेते हैं जैसे ये, और इसे मोड़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये किस कैटेगरी में आता है। सरिया मोड़ने के लिए एक ऐसे टूल की जरूरत होती है जिसकी मदद से इस सरिये को मोड़ा जा रहा है, और आप देख सकते हैं यह बिना फ्रैक्चर हुए आसानी के साथ मुड़ चुका है, और सरिये की इंटेग्रिटी भी बनी हुई है। रिप्स तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तस्वीर आपके सामने है। वहीं अगर मुड़ने के दौरान या फिर मोड़ने के बाद सीधा करने के दौरान अगर वह टूट जाता है, तो ऐसे मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल कहा जाता है, क्योंकि ऐसे मटेरियल लचकदार ना होकर कड़क होते हैं और मुड़ने की बजाय टूट जाते हैं। आइए इसे भी एक उदाहरण के साथ समझते हैं। ये जो सरिया आप देख रहे हैं, ये ग्लास फाइबर सरिया है, और इसे भी आप मोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये किस कैटेगरी में आता है, यानी कि डक्टाइल या ब्रिटल। अगर यह मुड़ जाता है तो इसकी कैटेगरी होगी डक्टाइल, और अगर टूट गया तो ब्रिटल। आइए आप पहले सरिये की तरह इसे भी मोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये तो टूट गया, जैसे ही मोड़ने की कोशिश की टूट गया, बिल्कुल भी नहीं मुड़ा। एक बार फिर देख लीजिए, मोड़ने के दौरान यह टूटकर बिखर गया। क्योंकि ग्लास फाइबर से बना होता है और ग्लास नॉन इलास्टिक मटेरियल है, बस इसी वजह से यह लचकदार कम और कड़क ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि ग्लास फाइबर सरिये डक्टिलिटी में बहुत कमज़ोर है, और इनकी मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो ये 40 के करीब होती है, जबकि लोहे के छड़ों की बात करें तो ये 200 के करीब होती है, यानी कि ग्लास फाइबर सरियों से लगभग 80% अधिक। लोहे की यही खूबी सरियों को डक्टाइल बना देती है, और इसी वजह से लोहे के सरिये लचकदार होते हैं, क्योंकि इनकी मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी हाई होती है, जैसा अभी पहले इस वीडियो में आपने देखा भी। तो लोहे के सरियों में बेहतर इलास्टिसिटी और अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होने के कारण ये रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में लोड के दौरान बिना दरार के झुकने की क्वालिटी जोड़ देते हैं। वहीं ग्लास फाइबर सरियों की बात करें तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लोहे के सरियों से दुगनी होती है, लेकिन जो ड्रॉबैक है वो है मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी का, जो लोहे के सरियों से लगभग 80% कम होता है। बस इसी वजह से यह डक्टाइल ना होकर ब्रिटल हो जाता है, और यही वो कारण है जिसके चलते सेम लोड पर यह मेंबर, यानी कि जो ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड है, वो स्टील रिइंफोर्स्ड मेंबर की तुलना में ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसे मेन स्ट्रक्चरल मेंबर्स जैसे कॉलम बीम इत्यादि में अभी क्यों यूज नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट। जब कोई चीज़ बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे टेम्परेचर से दो चार होना ही पड़ेगा। ऐसे में ज़रूरी है
कि वो टेम्परेचर रेसिस्टेंट हो और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन कुछ दिन, महीने या साल के लिए नहीं होता। इसीलिए उस मटेरियल का लॉन्ग टर्म टेम्परेचर रेसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ग्लास फाइबर सरिये इसमें बहुत कमज़ोर हैं, ये स्टील बार्स की तरह फायर रेसिस्टेंट नहीं होते। हाई टेम्परेचर के संपर्क में आने पर ये अपनी स्ट्रेंथ और इंटेग्रिटी दोनों खो सकते हैं, क्योंकि इन सरियों में ग्लास फाइबर की लेयर को जोड़ने के लिए प्लास्टिक रेशन का उपयोग किया जाता है। परफॉर्मेंस, प्लास्टिक और ग्लास फाइबर, इन दोनों की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर अभी सवाल बना हुआ है, जिसका सही उत्तर मिलना अभी बाकी है। समय के साथ इनके व्यवहार में क्या तब्दीली आती है, इस पर अभी बहुत कम डेटा उपलब्ध है। वहीं स्टील बार्स की बात करें तो इनके यूजेज का एक लंबा इतिहास हमारे सामने है। इंटरलेमिनर शियर स्ट्रेंथ, पहले बात करते हैं ये इंटरलेमिनर शियर स्ट्रेंथ क्या है। दरअसल एफआरपी की छड़े बनाने में ग्लास फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें परत दर परत प्लास्टिक रेशन से जोड़ा जाता है, और ग्लास फाइबर की इन्हीं परतों को इंटरलेमिनर और इन परतों की आपस में कितनी मजबूत पकड़ होती है इसी पर बात कर रहे हैं, जिसे अभी तक मौजूद डेटा के आधार पर कमजोर माना गया है। फैब्रिकेशन एट साइट, ये भी एक असरदार पहलू है, क्योंकि साइट की जरूरत के मुताबिक इसे साइट पर ही मोड़ने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि जीएफआरपी बार्स को आप साइट पर अभी नहीं मोड़ सकते हैं। इस तरह कोई भी काम एक टाइम टेकिंग जॉब हो सकता है। आशा है जल्दी ही इसमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।